आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपका फाइनली फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट है वो आज आपका आने वाला है और उसके आज एक समय है और वो 10 बजे से मतलब एक आपका 12 बजे 1 बजे तक आपका फाइनली आ जाएगा। और उसमें क्या कैसे क्या प्रोसेस रहने वाली है वो सारी प्रोसेस को हम इस वीडियो में जानेंगे। कैसे आपको सीड लॉक करना है, कैसे आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको उस फीस किस टाइप से पे करनी है आपको 5,000 रुपये, है ना। उसके बाद कॉलेज अपग्रेड का क्या प्रोसेस रहता है और अपनी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी कब तक हो सकती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊँगा। और ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको सेम टू सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तो आपको किसी भी समस्या का सामना एक तरीके से सामना ना करना पड़े इसके लिए, है ना। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जो आपका अलॉटमेंट है वो आपको क्रिस्प ऑनलाइन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और अभी इसकी लिंक है वो अभी नहीं आई हुई है। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद आपका यहाँ पर थर्ड मतलब एक तरीके से आपका प्रथम चरण का मतलब अलॉटमेंट के नाम से आपको यहाँ पर लिंक आपको शो होने लगेगी। और मेरी अभी ही कुछ समय कुछ मिनट पहले ही बात हुई है उनको जो अधिकारी हैं उनसे, तो उनका कहना है कि अभी उनका मतलब ऐसा कोई समय उनके पास नहीं होता है, तो मतलब आज आपको फाइनली आ ही जाएगा और है ना, और उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद आपको वही सेम प्रोसेस जैसे आपने काउंसलिंग में किया हुआ था, आपको यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड आपको फिल कर देना है। किसी बच्चे का यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर गलती से उससे मिस हो गया है तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ फिल कर लोगे तो उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस सामने आपको दिखाई देने लगेगा, है ना। और अभी इस टाइप का आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपको कुछ घंटों बाद इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देने लगेगा। और इसमें एक दो चीज़ें आपको नया दिखने को मिलेंगी। दो चीज़ में कौन कौन सी चीज़ें वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि पेमेंट का दिख रहा होगा, ये देखिए इस चीज़ को आप ये देखिए यहाँ पर कि व्यू अलॉटमेंट पे, मतलब आपको व्यू अलॉटमेंट जो आपके अलॉटमेंट होंगे वो आपको यहाँ आ जाएगा। पार्शियल पेमेंट मतलब आप जो 5,000 रुपये है वो भी आप वहीं से पे कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही आप जब आप आपका लिस्ट जो लिंक है वो आपकी आ जाएगी, उसके बाद आपको इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस चीज़ पर क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, है ना। और इसमें आपको वही सेम एप्लीकेशन नंबर आपको फिल कर देना है और डेट ऑफ बर्थ तो आपको फिल कर देना है। उसके बाद सो डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, सो डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो अलॉटमेंट होगा वो आपका इस टाइप से अलॉटमेंट आपका आने वाला है, ये मैंने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट का लिया हुआ है तो इस टाइप से आपका आ जाएगा। और इसमें आपको 5,000 रुपये के लिए आपसे बोलेगा यहाँ पर, या पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि मतलब कि अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों मतलब कि अनरिजर्व और रिजर्व के वाले बच्चों को 5,000 रुपये आपको पे करना होगी। पे ये किस चीज़ की है, ये आपके सीट लॉक करने के हैं, वो भी अपन कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये कैसे करना है आप पढ़ सकते हो, ये नॉन रिफंडेबल होगा मतलब आपका ये रिफंड नहीं होने वाला है ना। जैसे आपको एडमिशन नहीं लेना है या मान के चलो आपको फॉरेस्ट स्ट्रीम मिल गया, आपको कॉलेज नहीं मिलेना है, तो आप सोचो कि ये 5,000 रुपये रिफंड आ जाए, वो रिफंड नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो उसकी पावती पावती मतलब कि आपको ये पेमेंट करोगे उसकी आपको एक क्या मिलेगी, एक आपकी रिसिप्ट मिलेगी, उसको आपको लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मतलब ऐसे इस बच्चे को यहाँ लिख दिया हमने कि मतलब इसको इस बच्चे को मिला हुआ है हॉर्टिकल्चर कॉलेज मंदसौर, मतलब मंदसौर का इनको हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिला हुआ है, है ना। और वो भी कैसे सीट पर मिला हुआ, फ्री सीट पर। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको फ्री सीट पर अलॉट हुआ है या पेमेंट सीट पर अलॉट हुआ है, ठीक है। और ये आपको क्योंकि फीस जब आप पेमेंट करोगे तो वहाँ आपको थोड़ी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, है ना, क्योंकि पेमेंट सीट होगी तो आपको पैसा वहाँ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी छोटे से, ये देखिए यहाँ पर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, मतलब आपका जब अलॉटमेंट आ जाए उसके बाद आप इसको क्या करोगे, गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपको क्या होगा कि आपको 5,000 रुपये का ये ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है, ऑफलाइन कहीं आपको नहीं जाना है, ठीक है। ऑनलाइन आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन आप मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप ऑनलाइन वाले के पास जाएं, ऑनलाइन वाला आपको इसकी रिसिप्ट निकल के देगा, वो आपकी बहुत आवश्यक है। वो आपके कहाँ लगेगी, जब आप कॉलेज में जाओगे एडमिशन कराने के लिए वहाँ पर लगेगी। तो आप फ़ोन से ना करें, 10-20-50 रुपये जो भी ले वो उस आप ऑनलाइन वाले के पास ही जाएँ,
ठीक है। और इसी के साथ अब आप हमारा जो एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप सबको सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और जैसे ही अभी अभी आया हुआ नहीं है, इससे पहले मैंने आपकी वीडियो बनाई हुई है, जैसे ही आता है तो मैं आपको यूट्यूब पर एक तरह की शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको आपको क्या करूँगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, है ना। और इसके बाद हम जैसे ही आपने 5,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आपको इस टाइप की रिसिप्ट मिल जाएगी। इस रिसिप्ट में आप देख सकते हैं कि आपका सारा नेम लिखा होगा, कॉलेज कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज लिखा हुआ होगा, है ना। और उसके बाद आपको यहाँ लिखी होगी पार्शियल फी पेमेंट, मतलब 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपने पे कर दिए होंगे, तो उसके बाद ही आपको ये जो रिसिप्ट है वो आपको मिलने वाली है ना। और ये आपको मिल जाएगी, इसको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे पड़ने वाली है, ठीक है। ये मतलब यहाँ तक आपको काम कंप्लीट हो चुका है। अब सर इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको 4 दिन आपको इंतजार करना है। जैसे आज आपका अलॉटमेंट आ गया, तो आपको 25 से 29 तारीख तक, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 25 से 29 तारीख तक आपको आपको क्या करना था, सीट लॉक करना था। तो आपने सीट लॉक कैसे करेंगे, मतलब अभी बताया मैंने, 5,000 रुपये से आपको पेमेंट कर दोगे और उसकी रिसिप्ट ले लोगे, वैसे ही आपकी सीट आपकी लॉक हो गई, ठीक है। अब उसके एक दिन बाद 29 तारीख तक चलने वाला है, फिर 29 तारीख से फिर आपको 30 तारीख को आपको कहाँ जाना है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे मंदसौर का हुआ है, चाहे आपको छिंदवाड़ा हुआ है, चाहे खुराई हुई है, चाहे बालाघाट हुआ है, कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पर आपको 30 तारीख को जाना है, ठीक है। और एक तारीख और 30 से एक तारीख, मतलब 30 तारीख दिया हुआ है और एक तारीख, केवल आपके पास 2 दिन है, आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। तो विशेषकर जो बच्चे दूर हैं वो आपको ये मान लीजिए आप 29 तारीख को निकल जाइए सारे डॉक्यूमेंट का लेके, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये इस टाइप से मतलब जो सारे डॉक्यूमेंट पहले बताए थे वही डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ चीज़ और ऐड हो जाएंगी। जैसे ऐड क्या क्या होने वाला है, जैसे अभी मैंने बता के आया हूँ आपको क्या ऐड होगा, 500 रुपये, वो 5,000 रुपये की, सॉरी 5,000 रुपये की जो रसीद है वो लेके जाना, आंशिक भुगतान पर्ची राशि 5,000 रुपये, मतलब आपको रिसिप्ट है उसको भी संभाल के रखना है, है ना। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ उसका उसका जो अभी आया है ना अलॉटमेंट, उसको संभाल के रखना है, है ना। उसको वो वहाँ पर लगेगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पर परेशान होते हैं। फिर PAT की अंक सूची और वेरीफिकेशन पर्ची, वेरीफिकेशन पर्ची कौन सी, जो वेरीफिकेशन आप काउंसलिंग में करा के आए होंगे, छोटी सी आपको पर्ची मिली होगी, मतलब एक रिसीप्ट मिली होगी ना, उसको आपको संभाल के रखना है, वो चीज़ भी वहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और फिर आपका स्थानांतर प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, जाति प्रमाण पत्र, आय, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, कृषक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी और गैप सर्टिफिकेट, EWS अगर कोई बच्चे ने लगाया है तो EWS का वो लगा सकता है ना। उसके बाद PW का, है ना, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और समग्र ID, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में वहाँ पर लेके जाना है, जो कॉलेज आपको अलॉट होना है। और इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था, इसकी एक कलर कॉपी निकालवा लेना और 2 ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकलवा लेना, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी, वहाँ पर जहाँ पर आप कॉलेज अलॉट होने वाला है। उसके बाद सर ऑनलाइन, ये तो सर कॉपी लगेंगे, इसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल आपको सारी ले जाना है, लेकिन लगते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आपका TC है, वो TC आपसे जमा कर लेंगे, ठीक है। और उसका चरित्र प्रमाण पत्र है, वो भी आपसे जमा कर लेंगे, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट और आपको मेडिकल प्रमाण पत्र और अन्य शपथ, जो भी आपने और भी कोई डॉक्यूमेंट होंगे तो ये आपको ओरिजिनल मांगेंगे वहाँ पर, ये है ना, इसकी फोटोकॉपी नहीं लेंगे वो आपसे। तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट की आपको फाइल है वो कंप्लीट करके ले जाना है, वहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर में आपको 9,500 रुपये कैसे आपको एक सेमेस्टर की पे करना है, मतलब 9,500 से 10,000 के बीच भी हो सकती है, है ना, 2-500 रुपये का अंतर आ सकता है। वैसे 9,500 रुपये आपकी एक सेम की, मतलब आपको फर्स्ट सेम की आपको फीस वहाँ भरना होगी। तो जिन बच्चों को फ्री शॉट कॉलेज अलॉट हुआ है उनको 9,500 रुपये पे करना होंगे, और जो बच्चों को पेमेंट शीट अलॉट हुआ है उसको 32,000 के लगभग उनको पे करना होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद अगर भी कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हो, है ना। उस पर सारी जो भी इंफॉर्मेटिव, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम हाल में ही उसको अपडेट करते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो कट ऑफ हो आवश्यक कार्य होगा वो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा, है ना। और
कोई भी अगर डाउट है तो आप हमारा एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड चैनल है हमारा इंस्टाग्राम का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उस पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक भी स्टेप इधर से उधर हो गई तो उसका मतलब एक तरीके से एडमिशन वो कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल इस चीज़ को अपने दोस्तों तक, अपने मतलब जो भी हैं अपने अपने भाई बहन, उनको आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और इसी के साथ धन्यवाद।